अर्थ है जो माहौल देख रिया हो, बट जो लोग है अटली साइड जो खड़ा है, हम पूरा जोर जुनून है, लोग दूर तक खड़ा है, और जो एलईडी स्क्रीन पर है शपथ लेता हुआ मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने देख लिया है। मेन मंच बीच में जो लगा हुआ है वहाँ 5 कुर्सी है केवल, और 5 कुर्सी का मुझे जो लगता है एक सीएम साहब, 2 वाइस सीएम साहब, मोदी जी और राज्यपाल महोदय, 5 जनों के लिए फालतू झंझट नहीं। भारतीय जनता पार्टी को एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहे हो, मरे भी करो पक रहे, वो भी अपने हमने लड्डू बोल रहे हो, वो भी एक दिन मुख्यमंत्री बन रहे हो। बिल्कुल साहब, देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा त्रस्त हुए हैं तो युवा हुए हैं हमें लोग, कहा कि माँ का सारा सपना फेलो सरकार ने चूर चूर की था, पेपर लीक माते रात दिन जाग जाग के पढ़ाई करता था। राम राम, आप देख रहे हो जल को सीकर और मैं हूँ आपके साथ नंदिता, मौजूद हाँ राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर, जट जो है नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को शपथ ग्रहण समारोह चल रही है। भारी संख्या में जो लोग हैं प्रदेश में हर कोणावट लोग हैं जो आ रखे हैं, और हम बहुत ही ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा उल्लास हम दिख रही है, जोश की तो आप बात ही मत करो, सब लोगों का जोश जो एकदम हाई हो रखी है। अब पूछा लान क्या लग रही है, हम हनुमानगढ़ से आए हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट नौर से, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आम कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बनता है और युवा मुख्यमंत्री, हमें यही आशा करते हैं कि राजस्थान को बहुत अच्छी तरक्की में लेके जाए, जैसे मोदी जी ने गुजरात को चमकाया है वैसे हम आशा करते हैं कि इस बार यह राजस्थान भी चमकेगा। इस राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी है, एक तो पानी की और दूसरी औद्योगिक की, अगर औद्योगिक यहाँ बढ़े, अगर पानी यहाँ आए तो राजस्थान में किसी चीज की कमी नहीं होती, शायद कोई भी बेरोजगार ना रहे। हम सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुंच गए, 9 बजे 3-4 घंटे से यहाँ धूप में तप रहे हैं, लेकिन हम नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री और हमारे मोदी जी का जो फैसला हुआ उसके साथ हम बहुत गदगद हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा के कहाँ तक पहुंचाया अरसे पास, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, और क्या नाम से नए नए मतलब उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो ये देश तरक्की के लिए कामयाब होगा। देखो मैं आया हूँ, मैं अब तक किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता था, आम नागरिक के हिसाब से मैं जो व्यक्ति मुझे ठीक लगता था, जो विकास की बात करता था, उसकी छवि अच्छी होती थी, इसी बात करता था, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेन मंच बीच में जो लगा हुआ है वहाँ 5 कुर्सी है केवल, और 5 कुर्सी का मुझे जो लगता है एक सीएम साहब, 2 वाइस सीएम साहब, मोदी जी और राज्यपाल महोदय, 5 जनों के लिए फालतू झंझट नहीं, फालतू महिमा मंडन नहीं, बिना मतलब जनता का पैसा खर्च नहीं, और बिना मतलब की तालियां बजाओ का काम नहीं, काम करो, सीट पे आए, शपथ ग्रहण करो और काम पे लग जाओ, देश की फिजा, आज की फिजा बदल रही है, इसकी आवश्यकता है। घर भरने के जो नेताओं के सपने होते थे वो अब धूमिल हो चुके हैं, अब जनता का काम होना चाहिए, जनता का, प्रत्येक जनता का, आम आदमी का अधिकार है, वो विकास के लिए प्रश्न कर सकता है और वो विकास होना चाहिए, लोकतंत्र की यही व्यवस्था है और ये व्यवस्था अब दिखने लगी है। आज जो लोग मौजूद है, जो आया है, वे ये कह रहा है कि भाई जो है मंच पे कुर्सी लगी, हमको भी आकलन कर लियो कि भाई 5 कुर्सी लगी और कुन कुन बात हो सके, आने है कि भाई जो बहुत ही साधारण तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका जो है शपथ ग्रहण समारोह हो रही है, कोई ज्यादा जो दिखाओ नहीं हो रही। मैं मेवाड़ से आया हूँ और गप्पासन विधानसभा मेरे यहाँ से प्रत्याशी अब्दुल्ला जी जूनियर जीते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही अच्छे कर्मठ और कार्यकर्ता, हम यही मांग करते हैं हमारे अब्दुल्ला जी जूनियर को मंत्री बनाए, और डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में, और केंद्र में भी बहुत ही अच्छे मोदी जी बैठे हुए हैं, वहाँ बेरोजगारी है, कांग्रेस सरकार में जो भी है वो सब खत्म करे और बढ़िया मजबूत सरकार बनी है, तो आगे से आगे हमारे को भी पहुंचाए। डूंगरपुर का लोग बताओ भाई कई मांगे हमारे बीएफसी क्षेत्र डूंगरपुर वागड़ में पूर्व की सरकारों द्वारा ओबीसी को जो सब्सिडी आरक्षण मिल रहा है 27% उसको बिल्कुल ही बंद कर रखा है, हमारी वर्तमान सरकार से भी यही मांग है कि पीएफसी क्षेत्र में भी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, वहाँ के लोग काफी परेशान है, इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं परंतु मिल नहीं पा रही है, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि ओबीसी आरक्षण के ओर ध्यान देवे। शपथ ग्रहण समारोह में आपका उद्देश्य? हमारा यही उद्देश्य है कि राजस्थान में जो सुशासन व्यवस्था चल रही थी उसमें सुधार हो, नई सरकार को नए तरीके से कार्य करे जिसमें शासन व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बेहतर हो और महिला सुरक्षा हो, जिसमें सरकार का एक अच्छा वातावरण मिले राजस्थान को। मैं खड़ा हूँ, बहुत देर हूँ, जगह नहीं मिल रही, बैठ रात भी आ गया मैडम, रात निकल गया उठे, अब तो जुनून है सरकार चेंज हो,
और यार एक मैसेज देवा को कि जनता पलट भी देवे पलट के बाद जश्न भी मनावे जो जश्न मनावा आया मेडेट कपासन में आया माला विधायक साहब पांचवी बार विधायक बनिया है और कपासन में विकास की गंगा बही है और पांचवी बार विधायक बना में चावा होम मिनिस्टर बने सब बड़ा मिनिस्टर बने ये आसन लेने आया और जश्न मनावा ये कुशासन को और यो जितो भी भ्रष्टाचार भी हो चाहे बेरोजगार भी हो चाहे और कोई भी या नेम विकास तो नेम ठप कर दी दो आप आपका विधायक ने पैसा के लिए योजना चलाई लिस्ट में चार साल तो कटी नदारत दिया लिस्ट का साल में खाली है चुनावी फंड देवा के लिए विधायक ने ये योजना चला चाहिए और वाले बदल ली दो और बदल का को आज जश्न मना लिया परिवर्तन सरकार को तो मुख्यमंत्री को एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जो मरे भी करो पकड़े वो भी अपने हमने लड्डू बोल वो भी एक दिन मुख्यमंत्री बन जो लाल सोट से आए हैं मैडम और हम लाल सोट से एक दिग्गज मंत्री प्रसाद लाल जी मीणा को हरा करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष रामविलास जी मीणा को विजय 47,500 वोटों से किया है विजय। अब हम हमारे विधायक को पहले मंत्री को हरा के आए तो वो भी हमारे एमएलए साहब रामविलास जी मीणा भी मंत्री बनने चाहिए और जो कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए हैं रीट के जो भी एसआई की हो रीट की हो जो भी मेडिकल लाइन में जिसमें भी पेपर लीक हुए हैं अब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है हमें विश्वास है कि अब वो पेपर लीक नहीं होंगे और नहीं होने चाहिए ये हम आशा करते हैं हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी से भजन लाल जी शर्मा साहब से। हाँ हम मेडू भिलवाड़ा से आए हैं मंडल विधानसभा से जहाँ हमारे पूरे मतलब मंत्री थे रामलाल जी जाट साहब उनके बहुत अत्याचारों से उनके बहुत अहमकारों से उनको कार्यकर्ताओं की वजह से हम सब ने ये जो हमारे विदयलाल जी बडाना जी को जिता के भेजा है हमारे 50 साल से मंदिर भी बंद है मंडल में वो भी बंद करा रखा इनके पेटी बैग बोर्ड की वजह से इसलिए हम ये आशा करके आए कि हम बहुत अच्छे 47,000 से वोटों से जिता के लाए हैं। मैं सोशियोलॉजी एनजीओ का अध्यक्ष हूँ जिस प्रकार से मंत्री जोधपुर से आया हूँ जोधपुर संभाग में जोधपुर 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है लेकिन मेरी कोई मांग नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी एमएलए को यदि मंत्री बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से तुष्टिकरण की राजनीति जो कर रही है कांग्रेस सरकार वो समाप्त हो जाएगी और एक राष्ट्र को प्रथम मानकर कार्यकर्ता भारतीय भाजपा का हर एक कार्यकर्ता कार्य करता है उसी प्रकार से एमएलए जो भी मंत्री बनेंगे मैं पूरी उम्मीद है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और एक सशक्त और मजबूत सरकार देंगे जिसमें भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और साथ ही साथ युवाओं का जो सपने कुचली दी जा रही है सरकार से पेपर लीक ये सारे भ्रष्टाचार बंद हो जाएंगे और एक राष्ट्रव्यापी और एक राम राज्य जिसको अपन कह सकते हैं वो पूरे राजस्थान में आएगा ये पूर्ण उम्मीद है हमें। इसी के साथ मैं तो यही चाहता हूँ किसी को भी मंत्री बनाए भाजपा का हरेक कार्यकर्ता कार्यकर्ता है और राम राज्य भारत में आएगा राजस्थान में राम राज्य बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में 24 के अंदर फिर 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को देगी। जो जोधपुर आया है कह रहे हैं कोई नहीं मंत्री बना क्यों फर्क नहीं पड़े बीजेपी में जो है राम राज्य है सब बढ़िया खुशी से आ गए थे हम देखो कल रात ही आ रखे बिल्कुल साहब देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा त्रस्त हुए हैं तो युवा हुए आम है लोग कहा कि माँ का सारा सपना हेलो सरकार ने चूर चूर की था पेपर लीक माते रात दिन जाग जाके पढ़ाई करता था अब उम्मीद जागी है ये मोदी जी ने युवा नेतृत्व को नए नेतृत्व को हमारा मुखिया बनाया है हमें यही उम्मीद है युवाओं के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार काम करेगी और जो हमारी माताएं बहने बड़े बुजुर्ग जो भजन क्या ना सरकारी या भजन जो भी धार्मिक आयोजन थे उनसे वंचित रहते थे डीजे सब बंद थे वो वापस चालू होंगे पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी का इसी उम्मीद से आगमन किया जा रहा है। ज्यादा मांग कह रही है रोजगार नहीं है कि डीजे चला पा रही है देखो रोजगार तो ही है पर रोजगार के साथ मनोरंजन भी चावे साहब डीजे भी चावे साहब बिल्कुल चावे साहब युवा दिन भर पटे है तो रात थोड़े बहुत आनंद लेना सबने बनाए साहब बंदोरी माते कटे भी धार्मिक भजना माते जावा उठा आनंद लेना बिल्कुल बने साहब। हमारे हैं बाड़मेर से चौटन बाड़मेर है बहुत दूर आया होकर आया अभी आया सुबह या फिर रात में आ रहे हैं रात को चले थे सुबह पहुंचे हैं पहली बार जो आम कार्यकर्ता एक आम व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है हम पूरे राजस्थान को बहुत खुशी है और आने वाले टाइम में आम आदमी का काम होगा जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसको पावर में आया है तो जो आम आदमी अंतिम छोर पे बैठा है उसको बहुत से लाभ होगा। नीचे देख रहे हैं और नीचे तक भी लोग बैठा है कि भाई इतनी देर वेट कर रहा है फाका तो नीचे बैठ के जगह नहीं मिल पा रही है और अठिन आप जब तक देख पा रहे हो बट लोग खड़ा है कोई अठिन खड़ा है ऊपर जो है जारी वगैरह लाल रंग की बम्बर टंग रखी है लोग जो है देख पा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह ने अभी जो आप पूरा कार्यक्रम हो जो झलको मीडिया पर देखियो आगे